नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 7 और 8 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 7 और 8 के हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि कोई एपी का 31वां पद हमें बताना है कितना होगा जिसका हमें 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया गया है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है कि 11वां पद 38 है, यानी कि इसमें 11वां पद है। इसका मतलब क्या है कि n कितना है इसमें, 11, यानी कि 11वां पद जो है यानी A11 हमारा 38 दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि जो 16वां पद है वो 73 है, यानी कि A16 हमें 73 दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, 31वां पद कितना होगा, यानी कि A31 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें जो हमें A11 बराबर 38 दिया गया है, ये जो A11 यानी 11वां पद का व्यापक रूप क्या होगा, A+10D है ना। तो ये हमें कितना के बराबर दिया है, 38 के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा 16वां पद 73 दिया गया है, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A+15D, ठीक है। ये हमें कितने के बराबर दिया है, 73 के। अब हम इसका निशान चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये सेम है तो कट जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस, तो 15D में से 10D घटाएंगे, क्या बचेगा, 5D, और ये माइनस का चिन्ह। इसी तरह से बराबर के इधर भी ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 73 में से 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 35, और ये माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से अब हम डी का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा डी का मान, ये हमारा डी का मान यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, -35, और ये -5 जब इधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये 5 × 5, 5 × 7, 35, यानी कि हमारा डी का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया डी का मान। अब हम क्या करेंगे कि ए का मान ज्ञात करेंगे, और ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये डी का मान आया है, इसको समीकरण एक में, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस डी का मान समीकरण एक में यानी इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डी बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर हमारा क्या आएगा, ये हमारा समीकरण एक क्या है, A+10D = 38। तो ये हमारा A प्लस ये 10 गुणा डी कितना है, 7 बराबर 38 हो जाएगा। तो यहाँ से A+10 × 7 यानी कि 70 = 38। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये 38, ये प्लस का 70 इधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया हमारा, ये 38 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 32, और ये माइनस का चिन्ह। तो ये हमारा A का मान आ गया -32। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद। तो 31वें पद का हम अगर यहाँ पर व्यापक रूप लिखें तो 31वें पद का व्यापक रूप क्या होगा, A+30D। तो यहाँ से देखिए, अब हम क्या करेंगे कि A का मान हमारा ये है और D का मान ये रहा, तो A और D का मान रख देंगे। तो A कितना है हमारा, -32, ये +30 गुणा D का मान कितना है, 7। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये -32 + 30 × 7 यानी कि 210। तो हमारा माइनस प्लस माइनस, तो 210 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 178। तो ये हमारा जो है ये A31 आ गया, यानी 31वां पद हमारा 178 आ गया। अतः यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 31वां पद कितना है हमारा, 178 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 7 का हल। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न नंबर 8 भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 के ही तरह है। इसमें हमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि कुल एपी में 50 पद हैं, यानी कि एन जो है ये हमारा कितना है, 50 है, यानी पदों की संख्या 50 दी गई है। और आगे हमसे कहा गया है कि इसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद का मतलब क्या है कि A3 हमारा कितना है, 12 है। और आगे हमसे कहा गया है कि अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद 106 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा इस एपी में कुल 50 पद हैं, तो इसलिए हमारा ये 50वां पद 106 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद कहा गया 106 है। तो इसलिए हमारा ये जो एन है ये टोटल 50 है, इसलिए हमारा यही अंतिम पद होगा, यानी कि इसमें हमारा ए 50 कितना है, 106 है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, 29वां पद, यानी कि ए 29 हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए इसको अभी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने प्रश्न नंबर 7 किया था। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, A3 यानी तीसरा पद 12 दिया गया है। तो A3 यानी इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ये कितने के बराबर है, 12 के। और इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से ये हमारा A50 यानी 50वां पद 106 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 49D, ये हमें कितने के बराबर दिया है, 106 के। और इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले निशान चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये हमारा प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा। तो 49D में से 2D घटाएंगे, कितना बचेगा, 47D, ये माइनस का। इधर भी ये प्लस माइनस माइनस, तो 106 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 94, और ये माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से देखिए अब हम D का मान निकालेंगे, ये माइनस 94, ये माइनस 47 इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा भाग में, यानी कि ये हो गया हमारा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 47 एकम 47 और 47 दुना 94, तो हमारा यहाँ पर D का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, ये आ गया हमारा D का मान। अब हम क्या करेंगे कि इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, A का मान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि D बराबर 2 समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12। तो यहाँ से A प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, 2, बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये A प्लस 2 गुणा 2 4 बराबर 12। तो ये हमारा A का मान कितना आ जाएगा, ये 12, ये प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस 4, यानी A बराबर 12 माइनस 4 8। इस तरह से हमारा ये A का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या था, 29वां पद। तो 29वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 29वां पद हमारा व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस 28D। ठीक है, तो यहाँ देखिए A का मान कितना है, 8 प्लस ये 28 गुणा D का मान कितना है, 2। तो यहाँ से ये 8 प्लस 28 गुणा 2 56, यानी कि 56 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 64। तो इस तरह से ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अतः 29वां पद, ये हमारा 29वां पद कितना आ जाएगा, 64 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 8 का हल। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों प्रश्नों का काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसे हेल्प मिले। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।